फाइनली गाइज हमने ले लिया है आपका सरप्राइज बॉक्स और यहाँ पर हो रहा है वो पैक और देख सकते हैं यार काफ़ी बड़ा है बट इसके अंदर जो भी है वो आप अनबॉक्सिंग में देखना क्योंकि हम घर जा रहे हैं और घर जाके इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और आप सभी को दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिला है। ठीक है सो चलते हैं घर की साइड। रखना भाई भाई साहब देखना भाई दिखाओ अपने ओ भाई रेड हैंड बहुत शौक था ना लेने का पढ़ो बोल लो बेटा कोई बात नहीं बोल लो हिम्मत नहीं हारूंगा अरे वाह दैट्स गुड। सो हेलो एवरीवन एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस जैसा कि हम सभी ने आपको वादा किया था कि हम अनबॉक्सिंग भी लेकर आएंगे अपने स्पीकर का तो वादा पूरा करते हुए हम एक बार फिर से हाजिर हैं आप सभी के सामने। तो आप देख सकते हैं हमारे पास है स्पीकर लेकर आ चुके हैं अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आप सभी के सामने क्योंकि आप सबसे हमने वादा करा था कि यार अगर हम स्पीकर लेंगे तो हम अनबॉक्सिंग करेंगे और फाइनली आप सबकी दुआओं से और आप सभी के सपोर्ट और प्यार से हमने स्पीकर ले लिया और अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि इसकी टेस्टिंग में आपको दिखाएंगे जिसमें रेहान गाना गाएगा। यहाँ नहीं दिखाएंगे टेस्टिंग दिखाएंगे आपको पब्लिक में मतलब कि एक धमाकेदार टेस्टिंग होता है ना उस टाइप का कुछ है जिसमें आपको मजा भी आएगा। दोबारा आज तो आप देख चुके होंगे हमने कहाँ से लिया है वो भी वीडियो आप देख चुके होंगे तो हम लेकर तो आ चुके हैं। बहुत प्रॉब्लम हुई हमें हम दोनों आपसे कुछ नहीं छुपाते कभी भी जो करते हैं खुलेआम करते हैं और आप सबको दिखा के बहुत मुश्किल से इसको लेकर आए हैं ये हम लेके भी आए हैं सो वो सब भी आपने देख लिया है आगे देखेंगे तो बस आप मुझे भी जल्दी खोलते हैं अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं कि इसमें है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये तो गाइस इसका उद्घाटन तो हो चुका है आदत हो गई है या या लेकिन जेब कतरी आ गई कैसा ब्लेड चला रही है जेब कतरों वाले शौक रखते हो चुप हो यार इट्स अमेजिंग। सो गाइस अभी सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा जिससे मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी सो सबसे पहले हम इसका माइक हाँ रुक जाओ नहीं इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी गई है ठीक है। सो गाइस ये कुछ नोटिस मिला है इसके अंदर कि हमें कहाँ कहाँ इसको प्ले करना है और इसको कैसे यूज़ करना है सो इसको हम साइड में रख देते हैं। सो गाइस अब दिखाता हूँ मैं आपको माइक यार कुछ भी बोलो दिल खुश कर दिया माइक ने। सो गाइस इसका माइक बहुत ही प्यारा लगा मुझे जो कि आप देख सकते हो कि यार कितना प्यारा माइक है यार मतलब और डबल माइक के साथ है अब मैं भी गाना गाऊंगी। अरे कहना क्या चाहते हो बाथरूम में So guys, दो माइक है हमारे पास और आप देख सकते हो कि ये बटन वाला है और ब्लूटूथ माइक है ना वाईफाई माइक है वायरलेस माइक है ये प्यारा माइक है यार कसम से मुझे सबसे अच्छा जो इसके अंदर लगा वो इसका माइक लगा और दिल खुश हो गया जब मैंने इस पे गाया दिल खुश हो गया यार। सो आगे देखते हैं इसके साथ साथ क्या क्या मिला है साइड में रख दो। ओके सो आपको मिलता है एक रिमोट जिससे कि आप हैंडल कर सकते हो हाँ सो ये रिमोट है जिससे कि आप इसके वॉल्यूम आगे पीछे जो भी करना होता है आप वो सब हैंडल कर सकते हो इससे तो कोई इशू नहीं होगा आपको अगर आपको म्यूट करना है या मतलब अगर आप स्पीकर दूर है और आपको एक ही जगह बैठे बैठे आलसी हो हैंडल करना है बिल्कुल जैसे तो उसके लिए है ये तो ये काफ़ी अच्छा है हमारे लिए okay, काम का so, है। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास ये तो आई थिंक वायर है ये चार्जर है ओके सो पहले चार्जर दिखा देते हैं। सो गाइस ये इसका चार्जर है
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हमने टैग चैनल खोल रखा है। कोई नहीं, हम अपने ऑडियंस का एडाप्टर है, सो आप देख सकते हैं इससे ये चार्ज होगा जो हमारा स्पीकर है, ठीक है, और ये इसकी वायर है, तो ये चार्जर है और इसका यूज मुझे नहीं पता क्या होता है। अरे बाबा, ये हमारे स्पीकर में लगेगा हैंडल ताकि दो माइक हम इसमें हैंडल कर सकें, लाइक दिस। ओह आई सी मैन, ये देखो माइक हैंडल हो गया इसके अंदर, तो साइकिल पे नहीं लग सकता ये? ओफो, ठीक है, तो कच्चा बादाम गाएंगे ना। सो गाइस, अब बारी है हमारे मेन आइटम की, जो की है हमारा कितने इंच का है, 12 इंच का स्पीकर। Yes. So guys, करते हैं, देखते हैं। इसकी उल्टी उल्टी हो गई। हाँ, इसको उल्टा ही रखा गया जानबूझ। So guys, ये पैकिंग में उल्टी करके उल्टी रखी गई है। हाँ, इसको कुछ सीधा करते हैं, हो जाएगा। ओ बाबा, हटा दो इसको। चल बे। बाबा इतना हैवी है ना। गाइस देख सकते हैं यार आप। कैसे देखेंगे, पॉलिथीन तो हटाओ, कपड़ा उतारो। अच्छा, अच्छा, इसको तो उतार। सो गाइस, दिस इज आवर स्पीकर फॉर किस चीज के लिए वो नहीं बताएंगे, आई एम सॉरी। फॉर सरप्राइज हमने कुछ सोचा है, वो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। सो आप इसका लुक देख सकते हैं, जो कि एक ट्रॉली स्पीकर है। हाँ, ताकि हमें कैरी करना। और इसका लुक काफी ज्यादा प्यारा लगा यार मुझे। सो इसमें ट्रॉली है, आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो। यस। और साथ ही साथ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इसके अंदर, लाइक इसमें वॉल्यूम, लाइक इसमें बेस मिल जाता है, ट्रेबल मिल जाता है, गिटार वॉल्यूम मिल जाता है, इको मिल जाता है, माइक वॉल्यूम मिल जाता है, और साथ ही साथ आप इसमें एक और माइक कनेक्ट कर सकते हो जो कि वायरलेस है, और वैसे तो और भी लगा सकते हो। जैसे मैं बता देती हूँ, हाँ, लाइक यूएसबी पोर्ट वगैरह भी है, एसडी कार्ड पोर्ट भी है इसमें, और वॉल्यूम वगैरह का तो रेहान ने आपको बता ही दिया कि वॉल्यूम सब हर चीज़ की अलग अलग है। और उन्होंने एक चीज़ और बताया था ना कि हमारे पास दो वायरलेस माइक है, बट अगर हम दो से ज़्यादा लाइक अदर भी कोई वोकलिस्ट है उसको भी हमें ऐड करना है या कुछ भी इन फ्यूचर लाइक लाइव परफॉर्म वगैरह होता है, तो अगर तीन बंदे हैं तो, क्योंकि दो तो वायरलेस माइक है हमारे पास, जैसा कि आपने देखा ये वायरलेस माइक है, बट यहाँ पे हम वायर माइक भी एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, तो मैक्सिमम क्या बोला उन्होंने, दो माइक छोड़कर इसके अंदर चार माइक हम एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। ठीक है, चार माइक एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। तुम ऑन कर रहे हो? ओ बाबा, और एक चीज मैं बता दूं, रुको, सब्र नहीं होता ना इससे। इको बहुत ज्यादा है इसके अंदर, इको बहुत ज्यादा आ रहा है, कम तो हम इसका इको बंद कर देते हैं। हो गया। सो अभी जो मेरी आप आवाज सुन रहे हैं वो माइक से है, और आप बोलो इस माइक से नहीं है, इस माइक से। सो आप मेरी वॉइस अभी सुन सकते हैं कि मैं इस माइक से बोल रहा हूँ। और काफ़ी ज़्यादा है, सो आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी वॉइस आप तक पहुँच रही होगी मेरी। और बोलना यार कुछ, मैं कितना बोलूँ। मैं इसमें नहीं बोलूँगी। एक बार, एक बार, हेलो। सो गाइस, जब ये स्कूल में थी तब भी इसने कभी माइक नहीं पकड़ा। ये ऑडियंस को नहीं बताने का? नहीं, तो बताना नहीं है, देख हम कुछ नहीं छुपाते हैं। नहीं हम कुछ नहीं छुपाते हैं, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं। बताओ फिर। हेलो, ये बोलता है। अबे बोलता नहीं है, तू बोल रही है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि माइक की वॉल्यूम बड़ी प्यारी आ रही है, और आप सबके एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रखते हुए ये संभाल लिया है। और अब हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं। अब हम नॉर्मल बोलेंगे, नॉर्मल। ठीक है, एक्चुअल में गाइस अभी हम लेकर आए हैं तो बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं है इसकी। yes. तो अगर कुछ मिस्टेक हो थोड़ी बहुत तो प्लीज़ उसको हैंडल कर लेना और माफ़ भी कर देना। तो अभी तो हमने सिर्फ दिखाया है आपको, और साथ ही साथ ये बैटरी
हाँ, ये चार्जेबल है, सो 8 घंटे इसकी बैटरी चलती है और कंपनी ने 12 घंटे बोली है, तो हम आपको 8 घंटे बता रहे हैं। ठीक है, अब हमें भी नहीं पता इसका प्राइस सीक्रेट है, वो नहीं बताएंगे प्राइस नहीं बताएंगे बट बाकी सब कुछ तो आपने देख ही लिया है और मैं बाकी इसको आपको जूम करके भी दिखा दूंगी। और अब इसकी टेस्टिंग करते हैं ना पार्क में चल के। हाँ, और अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे जिसमें रेहान आप सभी के लिए गाना भी गाएगा और देखते हैं क्या होगा। तो अब हम इसको लेकर जाएंगे। सो गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं पार्क में और देखते हैं बंदों के क्या रिएक्शन होते हैं जब हम इसको लेके जाते हैं और वहाँ पर गाना गाते हैं। क्यों सैम? हाँ, तो करते हैं। हाँ, हा? सीधा। तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं आपसे। तू मेरा है प्यार।
लेकिन बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कुछ चीटिंग वाला केस बेबी, शरीफ हूँ मैं देख मेरा फेस बेबी, मुझ पे अब तेरा जादू है, मेरी खुशबू में तेरी खुशबू है, सारा जग ढूंढा मैं मेरे लिए मिस यूनिवर्स बेबी तू है, तेरे साथ रहूँ तुझे दुनिया की करूंगा ना, तुझसे कभी दूर न जाऊंगा, बोल तो सही दिल खोल तो सही, ऐसे बिना बोले जाएगी तो पागल हो जाऊंगा। जिंदगी है तेरे so much।